क्यूरियोसिटी है, जो आपका पहला क्रिकेट मैच था जब आपने 3 सेंचुरीज मारी थी एक के बाद एक, तो कैसे हुआ? लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं जब मैं फर्स्ट मैच जब खेला तो मुझे 40 मिनट पहले मुझे पता चला कि मैं मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि सनी भाई जो हमारे कैप्टन थे नंबर 5 डालना चाह रहे थे और श्रीकांत को ओपन कराना चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले के मैच में हम हार गए थे। तो मैं तो कपिल भाजी को और संदीप पाटिल को डिसिप्लिन एक्शन लेके उनको बिठा दिया गया। अगर शायद अगर नहीं उनको ड्रॉप नहीं होते तो मैं वो मैच नहीं खेलता था। 40 मिनट पहले मुझे बोलते चंदू बोटे साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये लड़का मैच 5 नंबर 5 पे खेलेगा और आप ओपनिंग है, ओपनिंग जाना बोलते। उस वजह तो मैं काफ़ी नर्वस था, 1 लाख के ऊपर लोग थे, तो मैं जब 13 पे खेल रहा था मैं आसानी से स्टंप भी छूट गया था, स्टंपिंग मिस हो गई थी। लेकिन जो 100 मैं फर्स्ट जब 100 मारा तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिया को खेलूंगा फर्स्ट 100 मारा। फिर सेकंड थर्ड हुए, मैं सोचा कि मेरी मेहनत जो इतनी मेहनत की थी जो इतने जो मेरा ड्रीम था कि वो पूरा फुलफिल हो गया। और मैं क्योंकि ऐसा होता था जो डेब्यू में जो 100 करते थे उसके बाद में बाद में रन 100 किए ही नहीं, एक्सेप्ट विश्वनाथ 200 किए थे, तो उसमें वो भी मेरे दिमाग में था कि मैं करूँगा तो और 100 करना चाहिए, 100 का मैं रुकना नहीं चाहता। वो फीलिंग एकदम अलग फीलिंग था। और जब तीसरा 100 हुआ तो फिर तीसरा 100 तो 98 पे नॉट आउट था एक दिन पहले, तो बहुत लोगों से बहुत प्रेशर था, अरे आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा ही नहीं था कि मैं रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि 100 है तो 100 ही, 98 थे मैं ना। मैं जब 2 रन दिया तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ, और मेरे ग्रैंड फादर की डेथ हो गई थी राहुल जी, क्योंकि मैं नवंबर में जब मैं फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने से 1.5 महीना पहले, तो वो फर्स्ट मेरे को वो उनका याद आई, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज थे, मैं 40 डेज का था उनके साथ ही रहता था, वो बहुत पायस आदमी थे बहुत एकदम। और हिंदुस्तान में लाखों लड़के हैं जो आप जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या एक लाइन में उनसे क्या कहोगे? टैलेंट अगर है तो पूरी तरह से मेहनत करिए, हार्डवर्क प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, हार्डवर्क जी। अगर आप में टैलेंट है, प्रैक्टिस इज नॉट अ वेस्ट एवर, यू विल नेवर गेट वेस्टेड। जो टीम 1983 में जो जीती है और 2011 में जो टीम जीती है तो उनको तो मेरे ख्याल में बुला के मैच दिखाना चाहिए। हैदराबाद में बेस्ट फूड का है, अगर बिरयानी खाना है तो कैफे बाहर बोलते हैं, कैफे बाहर उनकी बिरयानी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का हर आप गली में जाएंगे तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और लाइट वायर्स है ऊपर से जो हाई टेंशन वायर्स है वो प्रॉब्लम है, और यहाँ पे लोग इतना गलत कंडीशन में रहते हैं और पानी भर जाता है, पानी आते हम लोग बेच देता रहता है। यहाँ पे फर्स्ट काम मैं ड्रेनेज का करना चाहूँगा, क्योंकि लोग को यहाँ पे डेंगू फीवर हो रहा है और यहाँ पे लोग को लिवर प्रॉब्लम क्योंकि इतनी गलादत की वजह में लाइक बहुत अच्छा कंडीशन बहुत अच्छे नहीं, ड्रेनेज पूरा पानी आता है तो लोग रहते हैं और मोस्टली ऐसे लंग्स है प्रॉब्लम है। मैं सब में पहला काम यही करना चाहूँगा। बेस्ट, थैंक यू।